एवरीवन, सतनाम वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आटे से बनने वाले बिल्कुल परफेक्ट तरीके की बहुत ही ज्यादा क्रंची और बहुत ही टेस्टी शक्करपारे की रेसिपी। ये शक्करपारे हमने बनाए हैं आटे से, यानी बिना मैदे का यूज किए, बिना किसी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का यूज करके हम ये शक्करपारे बनाएंगे। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, तो प्लीज आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और बिल्कुल परफेक्ट से शक्करपारे आप भी घर पर बनाइए। शक्करपारे बनाने के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर 1/3 कप, यानी कि 80 ml के जितना यहाँ पर गर्म पानी। तो ये 1/3 कप मैंने गरम पानी लिया है, ml के हिसाब से देखें तो 80 ml, यानी कि 80 ml मैंने यहाँ पे गरम पानी लिया है। गरम पानी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी अच्छे से घुल जाए, इसलिए मैंने गरम पानी का यूज किया है। अब यहाँ पर 1/2 कप हम ले लेंगे ये नॉर्मल चीनी, आप चाहे तो चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1/2 कप मैंने यहाँ पे इसमें चीनी डाल दी है पानी में। अच्छे से अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी इसमें पानी हम बिल्कुल अच्छे से पूरी तरह से घुल नहीं जाती। एक बढ़िया सा शुगर सिर्फ हमारे यहाँ पर तैयार होना चाहिए। अगर आप इलायची पसंद करते हैं तो 1/2 छोटी चम्मच इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप देखें तो 2 मिनट में हमारी ये चीनी बिल्कुल अच्छे से पानी के अंदर घुल गई है और बस ये हमारा शुगर सिरप तैयार है। तो चलिए हम इसे साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर एक बर्तन में हम ले लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पर ये 2 कप मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। अगर ग्राम्स में हम देखें तो ये 250 ग्राम हमने गेहूं का आटा लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच सूजी। तो सूजी मैंने यहाँ पे बारीक वाली यूज की है, 2 छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे। सूजी डालने से जो हमारे शक्कर पारे हैं बहुत ही ज्यादा खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो 2 छोटी चम्मच सूजी भी डाल दिया इसमें। अच्छे से सूजी और आटे को हम पहले एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो 1/4 कप मैंने ये देसी घी लिया है जिसे मैंने मेल्ट करके लिया है ताकि आटे में वो अच्छे से मिक्स हो सके। तो यहाँ पर ये 1/4 कप यानी कि 60 ml हमने देसी घी का यूज किया है। अच्छे से घी को हम आटे में इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो आटा है उसमें पूरे आटे में घी बिल्कुल अच्छे से लग जाना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से लड्डू के जैसे बन रहा है। इसका मतलब यही है जो मोहन यानी कि जो हमने इसमें घी डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बिल्कुल बढ़िया से हमारा आटा तैयार है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे जो शुगर और पानी का हमने मिक्सर यानी कि शुगर सिरप तैयार किया था, ये हम इसमें डालेंगे और एक आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो आप एक ही टाइम पे पूरा ये मिक्सर ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें और इस तरीके से आप इसका बढ़िया सा एक आटा लगाकर तैयार कर लें। यहाँ पर जो आटा हमें लगाना है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे पूरी बनाने के लिए हम आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा आटा हम लगाकर तैयार करेंगे। तो बस इस तरीके से हम अच्छे से आटा लगा लेंगे और आप देख सकते हैं बढ़िया सा एक आटा लगाकर मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया है। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1 से 2 चम्मच आप पानी का यूज़ कर सकते हैं आटा लगाते टाइम। तो यहाँ पर ये आटा तो तैयार है, अब हम इसे लगभग 25 से 30 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट करने के लिए रखेंगे ताकि पूरी तरह से हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो लगभग मैंने इसे 1/2 घंटे के लिए रख दिया था और आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है और बिल्कुल बढ़िया एकदम परफेक्ट है हमारा आटा। अगर आपका आटा रखने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो आप इसमें नॉर्मल पानी डालकर 1 से 2 चम्मच नॉर्मल पानी डाल लें और बिल्कुल स्मूथ कर लें आटे को। और यहाँ पर ये हमारा आटा जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर मुझे तो ज़रूरत नहीं है इसमें पानी डालने की, अगर आपको लगती है तो आप 1 से 2 चम्मच पानी डालकर आटे को ठीक कर लें। अब हम इसमें से 3 लोई बना लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा चिकना कर हम यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की लोई तैयार कर लेंगे। तो मैंने 3 यहाँ पर पोर्शन में से डिवाइड कर लिया है और 1 लोई मैंने यहाँ पर ले ली है और अब हम इसे बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। यहाँ पर हम इसे बेलेंगे, थोड़ा सा थिक ही बेलना है हमें, यानी कि थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, बिल्कुल पतला सा हमें बिल्कुल नहीं बेलना है यहाँ पर इसे। तो इस तरीके से बिल्कुल आप हल्के हल्के हाथों से बेलन को चलाएं और इस तरीके से हम इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उसकी साइड्स हैं, उसे हम थोड़ा सा यहाँ पर चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे जो इस पर थोड़े हल्के हल्के से क्रैक्स दिख रहे हैं। बीच में अगर आप देखें तो बिल्कुल भी ज़्यादा क्रैक्स नहीं है, लेकिन साइड में थोड़े से क्रैक्स आ गए थे, उसे मैंने हटा लिया है। और इस तरीके से अब यहाँ पर हम शक्करपारे को कट करेंगे।
तो यहाँ पर अपनी पसंद से आप चाहें तो स्क्वायर या फिर आप यहाँ पर डायमंड शेप में भी शक्करपारे कट कर सकते हैं और छोटी या बड़ी साइज के आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी साइज के बिल्कुल स्क्वायर शेप में मैं यहाँ पे शक्करपारे को कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से किसी भी शेप में यहाँ पर इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके की थिकनेस होनी चाहिए शक्करपारे की, बहुत ज्यादा पतला ना रखें आप यहाँ पर इसे। तो चलिए ये बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से ये तैयार हैं और यहाँ पर साइड में मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल को चेक कर लेंगे। थोड़ा सा टुकड़ा हम आटे का इसमें डालकर, आपने देखा जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा सा जो आटे का पीस डाला है एकदम से वो ऊपर नहीं आया, हल्के हल्के से इसमें बबल्स उठ रहे हैं। तो बस ऐसा ही ऑयल हमें गर्म चाहिए। आप ऑयल को मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करें और फिर आप उसे लो फ्लेम पर कर दें और उसके बाद ही फिर आप इसमें शक्करपारे डालें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें यहाँ पर शक्करपारे डाल देंगे। और आपको जब शक्करपारे आप ऑयल में डाल रहे हैं तो गैस को बिल्कुल यहाँ पर लो मीडियम के बीच में रखें, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर शक्करपारे को फ्राई नहीं करें वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से उन पर झट से कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े करके इसमें शक्करपारे डाल दें और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे फ्राई करें। और पहले 2 मिनट आप बिल्कुल भी इसे चम्मच या स्पैचुला से मिक्स ना करें, इसे ऐसे ही फ्राई होने दें और उसके बाद ही आप इसे 2 मिनट के बाद ही आप इसे मिक्स यानी कि हिलाएं या कोई भी चम्मच या स्पैचुला इसमें चलाएं। उसके बाद भी बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपको स्पैचुला या चम्मच इसमें चलाना है, बहुत ज़्यादा भी ना घुमाएं इसे वरना ये टूट सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे आप आराम से इनको फ्राई होने दें, 8 से 9 मिनट आराम से लग जाता है शक्करपारे को फ्राई करने में। और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसे धीरे धीरे फ्राई होने दें। लगभग 5 मिनट हो गया है शक्करपारे को फ्राई होते हुए और आप देख सकते हैं इन पे हल्का हल्का सा कलर आने लग गया है। और इस तरीके से हम इसे बिल्कुल बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके का कलर आ गया है हमारे शक्करपारे पर। अगर आपको डार्क कलर के पसंद हैं तो आप इसे 15-20 सेकंड्स के लिए और फ्राई कर सकते हैं, या लाइट जैसे नॉर्मल हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर होता है वैसे ही बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर बस अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। अगर आप इसे और ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, इस कलर आने पर ही आप शक्करपारे को निकाल लें, क्योंकि हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं उसके बाद भी कुछ देर तक ये अच्छे से कुक होते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे शक्करपारे फ्राई करके तैयार कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया इन पे कलर आया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से एकदम फ्लफी एकदम फूले फूले शक्करपारे बने हैं और इसमें क्रैक्स भी आपको दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से इसकी लेयर्स आई हैं शक्करपारे की और बढ़िया से ये खस्ता है। आपको मैं पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके की लेयर्स आई हैं। तो तैयार हैं बिल्कुल हमारे मुंह में घुल जाने वाले आटे से बने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शक्करपारे। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैंने आपके साथ मैदे के जो शक्करपारे हैं उसकी रेसिपी भी पहले शेयर की है जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे भी ज़रूर चेक करें। आप मेरे चैनल पर दिवाली स्पेशल रेसिपीज़ को भी ज़रूर से चेक करें। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस दिवाली इस रेसिपी को आप जरूर जरूर से ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।